नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, काफ़ी समय पहले मेरे एक सब्सक्राइबर भाई का कमेंट आया था मेरे पास कि युगल भाई, 2 लाख रुपए में नई किराना दुकान कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, 2 लाख रुपए में नई किराना दुकान काफ़ी आसानी से शुरू की जा सकती है और काफ़ी अच्छा माल आप 2 लाख रुपए में नई किराना दुकान पर भर सकते हैं। अब क्या क्या माल आपको भरना है, किस तरह से आपको वैरायटी मेंटेन करनी है और क्या क्या रेंज आती है, कितनी कैटेगरीज होती हैं किराना बिजनेस में, तो मैं आपको एक एक करके कैटेगरीज के नाम और किस कैटेगरी का माल आपको कितनी मात्रा में नई दुकान पर भरना है या स्टॉक खरीदना है, कैसे खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, बिल्कुल आसान भाषा में इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना। तो दोस्तों, नई किराना दुकान 2 लाख रुपये में शुरू कहीं से भी की जा सकती है, चाहे आप शहर में हैं, चाहे आप सोसाइटी में हैं, चाहे आप छोटे से कस्बे में हैं, गाँव में हैं, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, चाहे वो बड़ा शहर है या छोटा सा कस्बा या फिर गाँव है, वहाँ से आप ये दुकान चालू कर सकते हैं। अब किराने के माल में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किराना के जो बिजनेस है इसमें 15 तरह की कैटेगरीज होती हैं। तो किस कैटेगरी का माल कितना भरना है बताने वाला हूँ। किराना जो है, किराना जैसे दाल, चावल, शक्कर, आटा, मैदे के पैकेट, रवे के पैकेट, दलिया के पैकेट, तो जितनी और तेल है, सोयाबीन तेल है, सरसों का तेल है, जितना भी मोटा मोटा आइटम है ये किराने में आता है। और किराना जो है आपको लगभग 40 से 50 हज़ार का माल भरना है, यानी कि जो रनिंग चीज़ें हैं उनका आप कट्टा लीजिए और जो ज़्यादा रनिंग चीज़ें नहीं हैं उनको आप 5-5 किलो या 3-3 किलो की मात्रा में लीजिए। अब रनिंग चीज़ कैसे हैं, जैसे कि तुअर दाल बहुत ज़्यादा बिकती है तो तुअर दाल का आप कट्टा ले सकते हैं, 30 किलो का कट्टा आता है। इसी तरह शक्कर 50 किलो के कट्टे के हिसाब से आती है, आटा जो है वो 25-30 किलो के कट्टे में आता है। तो 1 क्विंटल आटा, 1 क्विंटल शक्कर, 30 किलो दाल तुअर की और 5-5 किलो दाल चने की हुई, मूंग धुली हुई दाल हुई, मूंग छिलके की दाल हुई, उड़द काली दाल हुई 5 किलो, 5 किलो उड़द धुली हुई, बाकी जितने भी दालें जैसे राजमा है, राजमा 5 किलो नहीं, राजमा 2 किलो, मूंग 2 किलो खड़े वाले, इसी तरह से चवली आती है वो 2 किलो। तो जो रनिंग चीज़ें हैं उनकी मात्रा आपको ज़्यादा भरनी है और जिनकी रनिंग कम है वो कम मात्रा में भरना है। तो किराने का जो माल है, शक्कर, चावल, पोहा, मैदा, रवा, दलिया, दालें हैं, तेल है, सरसों का तेल है, रिफाइंड तेल है, तो ये आपको 40 से 45 हज़ार के बीच में नई किराना दुकान पे भरना है। अगर आपका बजट 2 लाख रुपए है तो ध्यान दीजिएगा, मैं 2 लाख रुपए से किराना दुकान जो खोलना चाह रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। अब सेकंड है FMCG प्रोडक्ट्स। अब FMCG प्रोडक्ट्स में क्या होता है दोस्तों, तरह तरह के शैम्पू, तरह तरह के तेल, साबुन, क्रीम, पाउडर, तो जितना भी एक आदमी को तैयार होने में सामान लगता है, यानी कि जैसे पाउडर है, क्रीम है, शैम्पू है, तेल है, तरह तरह की डियो हैं, सेंट हैं और हेयर कंडीशनर हैं, तो शैम्पू के पाउच से लेकर बड़ी बड़ी शीशियों तक कम कम मात्रा में भरिए। आप जिस चीज़ में रनिंग हो उसको ज़्यादा भरिए और कोशिश कीजिए नई दुकान खोलने से पहले आप सर्वे कीजिए कि मेरे यहाँ किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, कौन सा शैम्पू ज़्यादा बिकता है। तो जो ज़्यादा बिकने वाली चीज़ें हैं उनको आप पेटियों से लीजिए, मना नहीं करूँगा, लेकिन जो नहीं बिकने वाली चीज़ें हैं उनकी पेटी कभी मत लीजिए, उनकी 2-2 माला 3-3 माला खरीदिए। तो FMCG प्रोडक्ट्स में आप 25 से 30 हज़ार का माल खरीद सकते हैं अगर आपकी लागत 2 लाख रुपये है तो। और 2 लाख रुपये से आप नई किराना दुकान शुरुआत करना चाहते हैं तो 25-30 हज़ार रुपये की लागत आपकी FMCG प्रोडक्ट में आनी चाहिए। अब दोस्तों, पान मसाले की काफ़ी रनिंग होती है, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, सुपारी, बीड़ियाँ, कत्था, तो ये जो पान मसाला है ये काफ़ी बहुत स्पीड फास्ट रहती है, मार्जिन भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो 10 से 15 हज़ार का माल आप पान मसाले का खरीद सकते हैं स्टार्टिंग करने के लिए। तरह तरह के पैकेट्स आ जाएंगे, गुटके के, सिगरेट के पैकेट्स आ जाएंगे, सुपारी आ जाएंगी, कत्था आ जाएगा, तंबाकू, जर्दा, सुपारी सब आ जाएगा आपको 10-15 हज़ार के माल में। अब दोस्तों, चौथी जो कैटेगरी वो है कन्फेक्शनरी। अब कन्फेक्शनरी मतलब खाने पीने की चीज़ें, बिस्कुट, नमकीन, चिप्स के पैकेट, जितने भी तरह तरह की चीज़ें आती हैं जो खाने पीने से रिलेटेड होती हैं, बच्चों की टॉफियां हैं, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन और चॉकलेट्स हैं, तरह तरह के खाने के सामान जिसमें जो सिर्फ खाने के लिए यूज़ होता है उसको हम क्या कहेंगे, कन्फेक्शनरी। तो कन्फेक्शनरी का जो सामान है वो आप 20 हज़ार रुपये से शुरू कर सकते हैं नई किराना दुकान खोलते हैं तो। अब कन्फेक्शनरी की बारी आती है स्टेशनरी। दोस्तों, स्टेशनरी जो है लिखाई पढ़ाई का सामान, बच्चों के स्कूल में जो कॉपियां लगती हैं वो आमतौर पर एक किराना दुकानदार बेचता है। तरह तरह की कॉपियां, बच्चों की स्केल, रबड़, कटर, पेंसिल, पेन, मार्कर और अपना ड्राइंग कॉपी। तो दोस्तों, जितना भी लिखाई पढ़ाई का सामान आता है
सिर्फ किताबों को छोड़कर, वो आता है स्टेशनरी में। तो स्टेशनरी भी काफ़ी मात्रा में बेची जाती है किराना दुकानदार द्वारा, और अगर आप भी नई किराना दुकान खोलना चाहते हैं तो स्टेशनरी को जोड़ सकते हैं, और मात्र 10,000 का माल आप लाइए स्टेशनरी का, सारी वैरायटी मेंटेन करिए, तो स्टेशनरी भी काफ़ी अच्छा मार्जिन होता है, 20-25% तक का मार्जिन होता है बच्चों की कॉपियाँ पेंसिल रबर कटर पेन वगैरह बेचने में। और इसके बाद जो कैटेगरी आती है दोस्तों, आती है पूजा पाठ। दोस्तों पूजा पाठ भी आज हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, और हर दूसरा ग्राहक पूजा पाठ करता है। अगरबत्तियाँ हैं, धूप बत्तियाँ हैं, लोबान है, गूगल है, रुई बत्ती, दिया बत्ती, तरह तरह की पूजा वाले घी आते हैं, पूजा वाली माता की चुनरी आती है, हनुमान जी के लंगोट आते हैं, और अष्टगंध आता है, गूगल आता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें किस में आती हैं? पूजा पाठ में आती हैं। तो पूजा पाठ में ये बेसिक चीज़ें हैं, और ये बेसिक चीज़ें हर किराना दुकानदार अपनी दुकान पर बेचता है। तो मात्र 4-5 हज़ार रुपये का माल आप पूजा पाठ कराकर रखिए, उसकी भी सेल आएगी और काफ़ी अच्छा मार्जिन होता है पूजा पाठ के सामान बेचने का। और दोस्तों इसके बाद जैसे अब गर्मियां हैं, गर्मियों में आप आइसक्रीम बेच सकते हैं। तो आइसक्रीम के लिए क्या होता है, कंपनियां 5-10 हज़ार रुपये देकर, अमूल कंपनी है या फिर जिसका मैंने फ्रिज लगवा रखा है अरुण आइसक्रीम, मैंने मात्र 5 हज़ार रुपये दिए थे और 6 हज़ार रुपये का माल भराया था, तो लगभग 11 हज़ार के इन्वेस्टमेंट मेरे पास फ्रिज आ गई। और अरुण आइसक्रीम का माल मैं लगभग हफ्ते में 4-5 हज़ार का बेच लेता हूँ, और माल बेचता हूँ फिर मंगा लेता हूँ फिर बेचता हूँ फिर मंगा लेता हूँ, तो दोस्तों रोलिंग घूमती रहती है। और आइसक्रीम में भी लगभग 18-20% तक का मार्जिन हम दुकानदारों को मिलता है। अब आइसक्रीम के बाद जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अब डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या आता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में दही है, दही के बाद लस्सी है, लस्सी के बाद श्रीखंड है, सब पैक आता है, आपको कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ लाकर ग्राहक को देना है, सब पैक की पैक चीज़ें आती हैं। और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो वो आप 4-5 हज़ार रुपये की लागत पर रखिए, दूध दही पनीर मक्खन श्रीखंड लस्सी, तो 4-5 हज़ार रुपये की लागत से आप डेयरी प्रोडक्ट भी अपने दुकान पर जोड़ सकते हैं। अब डेयरी के बाद बारी आती है बेकरी की। अब बेकरी में क्या आता है, पाव ब्रेड पिज्ज़ा बेस, तरह तरह के बेकरी वाले बिस्कुट्स, कुकीज़ टोश क्रीम रोल, बच्चों के केक। तो दोस्तों बेकरी प्रोडक्ट की लाइफ काफ़ी कम होती है, ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है। तो बेकरी का जो सामान है आप 1,000-1,500-2,000 रुपये का लीजिए, और 4 दिन बाद फिर वो सेल्समैन आपको देने आएगा तो दोबारा लीजिए, लेकिन 1,500-2,000 से ज़्यादा माल आपको दुकान पर नहीं रखना है। इससे ज़्यादा अगर आपको रखना है तो पहले सेल लेकर आइए ज़्यादा की, तो सेल अपने आप आएगी, माल बढ़ता जाएगा। तो कोशिश कीजिए इसकी रोलिंग फास्ट घूमें, और जो सेल्समैन से आप माल ले रहे हैं 3-4 दिन बाद दोबारा आपको माल देने आएगा, तो आपकी जो लागत है 1,500-2,000 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए बेकरी प्रोडक्ट्स पर। अब बेकरी के बाद आइटम आते हैं जनरल आइटम्स। दोस्तों जनरल आइटम्स होते क्या हैं, जनरल आइटम्स ऐसे आइटम्स जैसे किसी को ताश चाहिए, कान साफ करने के ईयरबड्स चाहिए, घर में चाकू नहीं है चाकू चाहिए, अब वो चाकू लेने मार्केट में जाएगा, वो आपके पास आएगा क्योंकि आप उसके बगल में बैठे हो, कोई कस्टमर है उसके घर के पास में आपकी दुकान है किराने की, अब किराने की दुकान पर ये छोटी मोटी जनरल चीज़ें लगती रहती हैं, आल पिन के गुच्छे हैं, बालों वाले रबर बैंड आते हैं, तो ये सब जनरल चीज़ों में आते हैं। तो जनरल चीज़ें जो हैं काफ़ी मात्रा में दुकानदार बेचते हैं, उनमें मार्जिन काफ़ी अच्छा होता है, 30-40% तक का मार्जिन होता है इन जनरल आइटम्स पर। तो लगभग 5,000 का माल आप भरिए, उसकी जो लिस्ट बता दे रहा हूँ मैं आपको, ताश मग्गे हैं बाल्टी हैं पोचे हैं और अपना ऑल पिन हैं ईयरबड्स हैं प्लास्टिक के अपने जितने भी डेली यूज़ में, जैसे अब जीवान साफन की जीवी है, तो ये सब चीज़ें जनरल आइटम्स में आती हैं, और उनकी भी शॉप्स होती हैं होलसेल में, तो उनका परचेस कीजिए, इनका माल दिल्ली से आता है और काफ़ी अच्छा मार्जिन ग्राहक दे जाता है जब हम बेचते हैं। तो अब जनरल आइटम्स के बारे में बारी आती है फ्रोजन आइटम्स की। तो सो फ्रोजन आइटम्स ऐसे आइटम होते हैं जो ठंडे बिकते हैं, जो बर्फ़ में जमकर बेचे जाते हैं, जैसे कि सफल मटर है, तरह तरह के कोन्स आते हैं आजकल, पॉपकॉर्न के जो कोन आते हैं लोग उबाल कर खाते हैं तो उनके पैकेट्स हैं, आजकल सोया प्रोडक्ट्स आते हैं कई तरह के, तो सोया प्रोडक्ट्स को भी आप रख सकते हैं फ्रीजर में, उनको भी ग्राहक आते हैं, क्योंकि देखो आइसक्रीम तो आप बेच ही रहे हैं तो उसी फ्रीजर में आपके ये फ्रोजन प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। तो दोस्तों फ्रोजन प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा मत बेचिए, आप 2,000 रुपये बेचिए क्योंकि इनमें एक्सपायरी कम रहती है, तो 2,000 रुपये से आप फ्रोजन फ्रूट्स भी अपने शॉप पर आप बेच सकते हैं। दोस्तों हाउस होल्ड आइटम्स ऐसे सामान जो साफ सफाई के काम आते हैं, जैसे कि पोचा बाल्टी फिनाइल एसिड कॉलिन हारपिक, ये सब साफ सफाई के सामान हैं, झाड़ू हैं शिक झाड़ू है फूल झाड़ू है, तो दोस्तों इनको भी आप बेचिए, ये भी काफ़ी मात्रा में बेची जाती हैं और काफ़ी अच्छा मार्जिन आता है साफ सफाई के सामान में हाउस होल्ड आइटम्स में। तो 4-5 हज़ार का माल इसका भी आप परचेज़ कीजिए शुरुआत में। इसके बाद बारी आती है दोस्तों डिस्पोजल के सामान। दोस्तों डिस्पोजल आइटम जो हमने एक बार यूज़ किया और फेंका, यानी कि यूज़ एंड थ्रो, जितना भी यूज़ एंड थ्रो आइटम्स आता है, जैसे किसी का बर्थडे है, बर्थडे प्लेट हो गई, डोने हैं कटोरियाँ हैं चम्मच हैं लकड़ी के हैं प्लास्टिक के हैं और
जैसे किसी का कोई फंक्शन है तो 50-60 थालियाँ लेगी आपसे, तो काफ़ी अच्छा मार्जिन दे जाते हैं ग्राहक। तो 4-5 हज़ार का माल आप ये भी दुकान पर रखिए, चाय पीने के गिलास, कॉफ़ी गिलास, सूप गिलास, सूप कप, जूस के कप आते हैं। तो दोस्तों आजकल आदमी क्या है कि फास्ट लाइफ हो जाने के कारण उनके पास समय नहीं है कि वो अपने घर के बर्तन निकालें, उसको धोएं। तो ग्राहक को चाहिए कि वो यूज़ एंड थ्रो डिस्पोजल आइटम्स खरीदे और फेंके यूज़ करने के बाद। तो आप इसको भी अपनी शॉप पर बेच सकते हैं, काफ़ी अच्छा मार्जिन मिलता है इसमें, 25-30% तक का मार्जिन रहता है। और 4-5 हज़ार की लागत से आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, यानी किराने की दुकान के साथ कुछ वैरायटी आप इसकी भी रख सकते हैं। और दोस्तों अब बात बारी आती है ड्राई फ्रूट्स। दोस्तों ड्राई फ्रूट्स को आप कई तरह से बेच सकते हैं, पैक करके बेच सकते हैं, बर्नियाँ आती हैं कांच की उसमें भरकर बेच सकते हैं। और 7-8-10 हज़ार की लागत से आप ड्राई फ्रूट्स का काम चालू कीजिए दुकान में ही, किराने दुकान के साथ साथ। काफ़ी अच्छा मार्जिन रहता है ड्राई फ्रूट्स पर। और थोड़ा थोड़ा सब लेके आइए, काजू, किशमिश, बादाम, 10-12 हज़ार की रेंज फुल मेंटेन कीजिए। फिर देखिए किस चीज़ की रनिंग ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों ये ख़राब भी जल्दी होते हैं, तो कोशिश कीजिए उतना ही लाइए कि ख़राब ना हो पाए। तो लगभग 15 कैटेगरी मैंने आपको बताई है। 15वीं कैटेगरी जो है वो है सब्जी है, कई लोग सब्जी बेचते हैं दुकान पर, कई लोग वो पानी के कैंपर ला के बेचते हैं, पानी बेचते हैं, कई लोग इडली डोसे के बैटर बेचते हैं, बने बनाए घोल आते हैं इडली और डोसे के, कई लोग पानी पूरी के पैकेट बेचते हैं। तो ये भी चीज़ें आप अपनी दुकान पर बेच सकते हैं। और लगभग 14-15 कैटेगरी मैंने आपको बताएं किराना बिजनेस में आप ऐड कर सकते हैं। और लगभग आपका जो पूरा माल आएगा 15 कैटेगरी का, लगभग 1.5 से 1.75 लाख रुपये का आएगा। काफ़ी अच्छी वैरायटी आप मेंटेन कर सकते हैं और पर डे 5 से 8 हज़ार रुपये का धंधा कर सकते हैं इन सब कैटेगरी का। थोड़ा थोड़ा माल अगर बिकता है तो, अगर 7-8 हज़ार का धंधा करते हैं तो महीने की 2-2.5 लाख रुपये की सेल आसानी से कर सकते हैं। और 2-2.5 लाख की सेल कर सकते हैं तो 15% आपके कहीं नहीं गए, लगभग 40 हज़ार आपका प्रॉफिट कहीं नहीं गया। तो दोस्तों मैंने आपको 2 लाख रुपये से नई किराना दुकान कैसे खोलनी मैंने बताया, और 20-25 हज़ार का आप अपने हाथ में बैकअप रखिए, यानी कि अगर 1.25 लाख का माल आप खरीद रहे हैं दुकान के लिए तो 20-25 हज़ार का आप हाथ में बैकअप रखिए, ताकि किराया देना पड़े मालिक को। अब किराया कितना देना है बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, किराया क्या होना चाहिए बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, एग्रीमेंट कितने महीने का होना चाहिए बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बताया आपको, जो भी आपको शंका थी मैंने क्लियर किया। इसके बावजूद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।